Now, next, which is the fifth one? Fifth one is coastal plain. I have already told you what is the meaning of coastal. Coastal means the area near water bodies. पानी के किनारे वाली जगह को बोला जाता है coastal area. ठीक है? The area of flat land that lies near sea or ocean is called coastal plain. ठीक है? ऐसा area flat land क्यों बोल रहे हैं? Because the area is plain land. Just like northern plains. Okay? So the area is flat and plain and it is also near या तो समुद्र या oceans के किनारे वाली जगह को बोला जाता है coastal plain. The coastal plain lies on both sides of peninsular plateau. अभी जो आपने peninsular plateau पढ़ा था ना, उसके दोनों साइड को पाया जाता है. These are found in the both side of peninsular plateau. The stretch of flat land between eastern ghat and bay of Bengal form the eastern coastal plain. ठीक है? The stretch of flat land between the western ghat and Arabian Sea forms the western coastal plain. Okay? Now, what they are saying, they are trying to say that these coastal plains lies in a both side of Deccan plateau or peninsular plateau. ये जो brown part है, this is your peninsular plateau. Now the coastal plains are on both side. दिख रहा है ना आपको? The green color, yes, that is coastal plain. देखिए, ये Deccan plateau की west direction में भी है ना? Arabian Sea पूरा west direction cover, Arabian Sea के किनारे पूरा west direction में है and Bay of Bengal में पूरा east direction में है. इसीलिए इसको बोलते हैं, ये वाला कौन सा रीजन है? दिस इज ईस्टर्न घाट एंड दिस इज वेस्टर्न घाट. ओके, दिस इज ईस्टर्न घाट एंड दिस इज वेस्टर्न घाट. द कोस्टल प्लेन्स रिमेन नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. ये जो कोस्टल प्लेन है, कोस्टल प्लेन वाला जो रीजन होता है, ठीक है, ये जो रीजन है कोस्टल प्लेन वाला, दिस इज नीदर टू हॉट. ना तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ना ही बहुत ज्यादा ठंड रहती है. द क्लाइमेट इज वेरी मॉडरेट. यहाँ पर का क्लाइमेट कैसा होता है? मॉडरेट. ठीक है? ना बहुत ज्यादा ठंडा, ना बहुत ज्यादा गर्म. इट इज कंफर्टेबल टू लिव इन. एंड द सॉइल, जो सॉइल होती है इस रीजन की, दैट इज ऑल्सो वेरी फर्टाइल. दैट इज फर्टाइल सॉइल टू ग्रो क्रॉप लाइक राइस, पल्स. ठीक है? किस तरह की वेजिटेशन, किस तरह की क्रॉप हम उगा सकते हैं इस मिट्टी में? वी कैन ग्रो हेयर राइस एंड पल्स. दिस इज द रीजन. आपने सुना होगा बहुत सारी जो साउथ की स्टेट्स हैं, वहाँ किस तरह की डिशेज खाते हैं लोग? जो राइस से बनी होती हैं, लाइक इडली, डोसा, बड़ा, है ना, एंड सांवर चावल. बिकॉज वहाँ पे इन स्टेट्स में किस तरह की वो लोग किस तरह की क्रॉप उगाते हैं? राइस, पल्सेस. इसलिए वहाँ पे कंजप्शन भी कैसा होता है, वहाँ पे लोग ज़्यादातर उनकी डिशेस में, उनके खाने में राइस को कंज्यूम करते हैं. ठीक है? या फिर राइस से बनी हुई डिशेस खाते हैं. योर लास्ट फीचर इज आइलैंड. इसको क्या रीड करेंगे? आइलैंड. इसलैंड कोई नहीं बोलेगा. That is island. An island is a piece of land surrounded by water on all side. Island हम किसे कहते हैं? हम island कहते हैं उस land piece को जो जिसके चारों तरफ surrounded by water from all side, जिसके चारों तरफ पानी होता है. ठीक है? ये जो पीस अब आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड आइलैंड. इसको क्या बोलेंगे हम? आइलैंड. जो समुद्र, किसी समुद्र के किनारे हो, सॉरी, जो समुद्र के बीचों बीच कोई टापू दिखता है ना, उसको क्या बोलते हैं? आइलैंड. जिसके चारों तरफ क्या दिख रहा है आपको? पानी ही पानी दिखेगा. ठीक है? तो ऐसे प्लेस को बोला जाता है आइलैंड. इंडिया हैज टू ग्रुप ऑफ आइलैंड. इंडिया के पास कितने आइलैंड हैं? हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड. द ग्रुप ऑफ आइलैंड इज लोकेटेड ऑन अ वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया. In the Arabian Sea are Lakshadweep Island and the other group of island located in the eastern side of India in the Bay of Bengal are Andaman and Nicobar Island. वो island जो इंडिया की west direction में है वो है Lakshadweep Island और जो इंडिया की east direction में है that is Andaman and Nicobar Island. Okay? Now let's see. ये आपको दिख रहा है ना? आपकी book के map में देखिए आप. देखिए, ये कौन सी डायरेक्शन है? दिस इज ईस्ट. बताया था ना, नॉर्थ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. ये कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट. यहाँ पे कौन सा वाला आइलैंड है?
दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ओके, और किस में है ये? ये बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में. कौन सा आइलैंड है? देखिए ये पूरे चारों तरफ आपको जो ब्लू ब्लू दिख रहा है, क्या है? ये पानी है. इस आइलैंड के चारों तरफ क्या है? पानी. इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दीज आर आइलैंड. ग्रुप क्यों बोला था? क्योंकि देखो छोटे छोटे से आपको बहुत सारे आइलैंड्स दिख रहे होंगे, तो इस पूरे ग्रुप को बोला जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ओके, ये किस डायरेक्शन में है? ये है ईस्ट डायरेक्शन में. ओके, एंड इंडिया के वेस्ट डायरेक्शन में. वेस्ट डायरेक्शन क्या है? ये वेस्ट डायरेक्शन है. वेस्ट डायरेक्शन में क्या है? अरेबियन सी. और अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है? दैट इज लक्षद्वीप आइलैंड. इसको भी ग्रुप क्यों बोला है? क्योंकि आपको दिख रहा होगा, देखिए छोटे छोटे से आइलैंड्स है ना, इस पूरे ग्रुप को बोला जाता है लक्षद्वीप आइलैंड. किस डायरेक्शन में है? ये है वेस्ट डायरेक्शन में. ओके, सो दीज टू आर द आइलैंड्स ऑफ योर कंट्री. नाउ लेट्स सी द ऑल फीचर्स ऑफ इंडिया टुगेदर एट द मैप ऑफ एशिया. ठीक है, लेट यू कैन जस्ट सी दिस इज हिमालय. सबसे ऊपर क्या है? नॉर्दर्न माउंटेन्स, हिमालय. हिमालय के जस्ट नीचे ये देखिए गंगा लिखा हुआ है ना, दिस इज योर नॉर्दर्न प्लेन. आप वेस्ट डायरेक्शन में आएंगे, दैट इज थार डेजर्ट. फिर आप उसके और नीचे आएंगे, दैट इज डेक्कन प्लेट्यू. एंड साइड साइड में क्या है? दिस इज कोस्टल प्लेन. ये कोस्टल प्लेन वाला एरिया है. ठीक है, और इसी कोस्टल प्लेन वाले एरिया में है वेस्टर्न घाट एंड दिस इज ईस्टर्न घाट. एंड योर कंट्री ऑल्सो हैज टू आइलैंड, ग्रुप ऑफ टू आइलैंड. दिस इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. किस डायरेक्शन में है? जहां बे ऑफ बंगाल है. एंड दिस इज योर लक्षद्वीप आइलैंड. ये कहाँ है? जहां अरेबियन सी है, वेस्ट डायरेक्शन में. तो इन द वेस्ट डायरेक्शन देयर इज लक्षद्वीप एंड इन ईस्ट डायरेक्शन दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.